देखेंगे हाथ का पट्टी। अगर हाथ में चोट लग गया है या हाथ को स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है, तो हम कैसे पट्टी बांधेंगे। आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर हाथ में प्लास्टर वगैरह लग जाता है तो मरीज ऐसा हाथ रख के चलता है हमेशा, तो उसके लिए इस हाथ को ऐसा स्थिर रखने के लिए हम कैसे बांधेंगे। उसके लिए हमको फिर से तिकोनी पट्टी लेनी है। तिकोनी पट्टी लेकर इस बार पट्टी के एक किनारे को कंधे के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे और इसके ऊपर मरीज के हाथ को रख देंगे। इसके बाद जो पट्टी का दूसरा हिस्सा है उसको इस प्रकार से पीछे लेके जाएंगे और पीछे ले जा करके इन दोनों सिरे में एक रिफ नॉट बांध देंगे। आप जब रिफ नॉट बांधेंगे तो ध्यान रखिएगा, ना ज़्यादा टाइट कीजिएगा और ना ही ज़्यादा ढीला रखिएगा, क्योंकि अगर आप टाइट कर देंगे तो जो हाथ का स्थिर रखें आप ऐसा, वो ऐसा हो जाएगा, और अगर आप ढीला कर देंगे तो जो पट्टी आपने बांधी है वो पट्टी एकदम ढीला हो जाएगा। यहाँ रिफ नॉट बांधने के बाद आप पीछे इसे फोल्ड करके लगा सकते हैं। इसके बाद मरीज के जहाँ पे आप पट्टी बांधे हैं, ये देखिए, ये एकदम फिक्स है। ये जो सिरा बच गया है शीर्ष भाग, इस शीर्ष भाग में इस प्रकार से मोड़ के यहाँ पे पिनअप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फोल्ड करके भी रख सकते हैं। ये हाथ का पट्टी।